नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ भाजपा मुख्यालय आखिर अखाड़ा क्यों बना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारतीय संस्कृति और संस्कारों की बात करने वाली पार्टी में इतना हो हल्ला और हंगामा आखिर क्यों, ये सवाल हर जुबान पर दिखा है। कहने वालों ने तो ये तक कह दिया कि भाजपा मुख्यालय पर जमा हुई भारी भरकम भीड़ विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं की थी क्या। दरअसल समय समय पर नेताओं के स्वागत और जुलूसों में सिर्फ पार्टी का झंडा और टोपी बदलने वाले की भीड़ बुलाई जाती है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व को खुश करना और अपनी ताकत अंदाजा कराना इस तरह की भीड़ लगवाने वाले का मकसद होता है। लेकिन ये तब ठीक है जब सब कुछ ठीक हो। एक तरफ देश में महामारी की मार से लाखों लोगों की असमय मौत हो गई है, वहीं दूसरी तरफ आमजन को महामारी से बचाव और देश का साथ देते हुए घरों से कम निकलने का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा का ये जमावड़ा वाला कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया है। लोगों के बीच यही चर्चा है कि कार्यक्रम में जमा हुई लाखों की भीड़ अब प्रदेश में कोरोना बांटेगी या फिर कोई ज्ञान। कहा जा रहा है कि भविष्य में अगर कोविड के कारण प्रदेश कोरोना की चपेट में आया तो इसमें भाजपा नेताओं का बड़ा रोल होगा। हाल ही में दूसरी लहर के कहर को दुनिया ने देखा है, तभी भाजपा विपक्षियों के निशाने पर रही है। हमेशा कहा गया है कि देश में कोरोना को बढ़ाने में भाजपा की बड़ी बड़ी रैलियों का बड़ा योगदान था और यही आज पार्टी द्वारा फिर दोहरा दिया गया है। जब योगी और मोदी और सरकारी मशीनरी जनता से दो गज की दूरी बनाने की बात कह रहे हैं तो खुद की पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश मुख्यालय पर इस तरह की लापरवाही आखिर क्यों। खैर, कोरोना का बढ़ना न बढ़ना समय के गर्भ में है, लेकिन आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के हंगामे और जमावड़े की वायरल फोटो से भाजपा अब विपक्ष के निशाने पर है।